जिससे शातिर ठगिर होने एक दो या चार लोगों को नहीं बल्कि पूरे गांव की महिलाओं को ठग लिया। 70 से 80 लाख रुपए की ठगी को कैसे दिया जालसाजों ने अंजाम, देखिए ये रिपोर्ट। शारदा समूह से 80 लाख रुपए की ठगी, पूरे गांव के साथ ठगी से मचा हड़कंप। मुगेली में दर्ज हुई संगीन वारदात, महिलाओं के नाम से लोन लेकर फरार। छत्तीसगढ़ के लोरमी जिले में ऐसी ही ठगी की वारदात सामने आई जिसने पूरे जिले में हड़कंप मचाकर रख दिया है। मुगेली पुलिस को मिली शिकायत के मुताबिक एक जालसाज गिरोह ने दो नहीं चार नहीं पूरे गांव की महिलाओं को ठगी का शिकार बना डाला और 80 लाख रुपए हड़प लिए। धोखाधड़ी का शिकार बनने के बाद महिलाओं ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। पटाहू करके ले जब पटाख नहीं तल मुझे पता नहीं आ रही थी, उसके टेंशन से हमारा तबियत खराब हो रही है। हम कहाँ से ला दे, 1500 कमाने वाले हैं। लगातार शिकायत कर रहे हैं, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही। दो तीसरा बार हो गया थाना में जा, दूसरा बार कलेक्टर आए, उसके बाद भी चलो कैसे ले गए बैलाव कुछ ला के सिग्नेचर करवा के 45 हजार के टीवी ले। टीवी मेरे हाथ में नहीं है सर, धोखाधड़ी का शिकार हुई 70 से 80 महिलाएं शारदा समूह से जुड़ी हुई हैं। ठगी की शिकार हुई महिलाओं ने बताया कि पूरी साजिश को अंजाम देने के लिए एक महिला आती थी जिसने झांसा दिया कि वो समूह के सदस्यों को बैंक से लोन दिला सकती है जिससे समूह से जुड़ी महिलाओं की जिंदगी बदल जाएगी। महिलाएं उसके झांसे में आ गई और दस्तावेज भी सौंप दिए, लेकिन जब अलग अलग बैंक से रिकवरी के लिए अधिकारी और बैंक के कर्मचारी पहुंचने लगे तब जाकर पता चला कि सभी को ठग लिया गया है। आरोपी महिला ने बैंक से मिले लोन की राशि की किस्त लेते वक्त ही लालच दिया था कि वो खुद भी किस्त भर देगी और मुनाफा भी होगा। बोली भाली महिलाएं उसकी जालसाजी को समझ नहीं सकी और शिकार बन गईं। इस तरह पूरे 70 लाख रुपए की ठगी करके आरोपी महिला भाग निकली। अब परेशान शारदा समूह की सदस्य पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रही है। आरोप है कि एक महिला विनीता जो भी बता रहे हैं, इनके झांसे में आकर के
अकाउंट खुलवा लिए हैं, पैसा इनका अकाउंट में जाना चाहिए था पर उनके माध्यम से लोग जमा कर रहे थे ऐसा इनका कहना है। तो अभी वो महिला अभी निकल जोगी नहीं है, उस पर कार्रवाई चाहते हैं कि इस मामले में जो है सही तरीके से जाँच की जाए। महिला समूह से ठगी के इस अनोखे मामले ने पुलिस को भी सकते में ला दिया है। हालांकि पुलिस ने आरोपी विनीता जोगी की तलाश भी शुरू कर दी है, लेकिन माना जा रहा है कि उसके साथ कुछ और लोग भी शामिल रहे होंगे जिनका पता मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के बाद ही चल सकेगा। हवालात के लिए मुंगेरी से रोहित कश्यप की रिपोर्ट। हवालात में ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कहां विचाराधीन कैदी की मौत से उठ रही जेल अधीक्षक पर उंगलियां और कैसे अयोध्या पुलिस ने पकड़े 3 खतरनाक लुटेरे।